नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। आज गढ़वा शहर के नवादा मोड़ पर मां पवित्री फिटनेस क्लब का शुभ आरंभ किया गया। नवादा गांव निवासी श्री पुनीत जायसवाल, जो फिटनेस क्लब के संचालक हैं, उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री जागो महतो, अंचला पदाधिकारी श्री बैजनाथ कांति एवं सीआई के कर कमलों द्वारा उद्घाटन कराया। इस अवसर पर श्री प्रदीप कुमार जी ने गीतांश टीवी को बताया कि गढ़वा शहर में आज एक अच्छे जिम का उद्घाटन नवादा मोड़ पर किया गया है। जिम में सभी इक्विपमेंट्स, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। यहाँ के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, मेरी शुभकामनाएं। वहीं श्री जागो महतो ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गढ़वा सदर एरिया में ये नवादा मोड़ में लगाया गया है और ये बहुत ज़रूरी है। कहा गया हेल्थ इज द वेल्थ, स्वस्थ ही धन है, तो हम समझते हैं उसके लिए ये जिम जो है ये माइलस्टोन साबित होगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी भी हुई, इसका फी भी बहुत कम है, मात्र 250 रुपये। तो हमारे यंग जनरेशन है, उन लोग भी जुड़ें ताकि फिजिकल फिटनेस रखें, तो उनकी पढ़ाई से लेकर के हर क्षेत्र में वो काम देते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर बहुत से बिजनेसमैन लोग हैं, उन लोग का भी कहीं कहीं दिनचर्या में लॉन्ग पीरियड बैठने का होता है। तो अगर 1 घंटे मॉर्निंग में आकर के पसीने बहाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात में कहे थे, मुझे याद है, कि युवाओं को 24 घंटे में एक बार शरीर से पसीना निकालने चाहिए, शायद उसके लिए ये बहुत सार्थक साबित हो। मौके पर बैजनाथ कांति जी ने भी गीतांश टीवी को बताया कि आज गढ़वा के नवादा मोड़ पर जो जिम खोला गया है, तो स्वास्थ्य के लेकर बहुत ही हितकर है। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, तो स्वस्थ रहना है तो जिम करना है। सभी लोग आए, जुड़े, मेरी शुभकामनाएं। मौके पर सीआई साहब ने भी गीतांश टीवी को बताया कि युवाओं से लेकर जो ज्यादा उम्र का भी लोग हैं, उनके लिए भी स्वास्थ्य आवश्यक है। और आज जो नवादा मोड़ पर जिम खुला है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है गढ़वा के लिए, और इसमें लोग जुड़ेंगे। चूँकि यहाँ है भी नहीं पहले से, तो अब दिन भर लोग व्यस्त रहता है, तो सुबह का समय या शाम का समय में अगर इसमें करेगा तो बहुत लाभ होगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, सदा ही तरक्की करते रहें। ठीक है सर, क्या दिक्कत है, और बढ़ा सकते इधर देखिए पुनीत जी। पुनीत जी थैंक यू। इस अवसर पर पुनीत जायसवाल सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।